खबर दौसा से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की गोपनीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने दौसा लोकसभा सीट जीत को लेकर के मंत्र दिए। जावड़ेकर ने बैठक में चर्चा की किस तरह से दौसा सीट को भाजपा के खाते में डाला जाए। बैठक में जीत को लेकर के रणनीति बनाई गई। वहीं पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर भाजपा का फिर से कमल खिलेगा। जावड़ेकर ने कहा देश को तरक्की की ऊंचाई पर केवल नरेंद्र मोदी ही लेकर जा सकते हैं और यह हम नहीं देश की जनता बोल रही है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने ताकत झोंकी है। हमारे कार्यकर्ता थे, जवाहरलाल जी ने अलग पार्टी बताई थी, अलग चुनाव भी लड़े थे, वो आए, वो राज्यसभा के सदस्य बने और कल ही उन्होंने घोषणा करी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब कुछ करूंगा और वो 18 तारीख से वो पूरे सब राजस्थान में प्रचार भी करेंगे।